ज्ञान मोती ग्रुप प्रेजेंट्स। बाबा ने कहा, जैसे वाणी में आना कितना सहज लगता है, क्या ऐसे ही एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित हो सकते हो? जितना वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़फ रहती है, चांस ले भी लेते हो, ऐसे ही वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का भी प्लान बनाना चाहिए। चाहे कैसे भी परिस्थिति या वायुमंडल हो, चाहे कितना भी बड़ा प्रकृति का तूफान क्यों ना हो, इन सब के होते हुए भी स्वयं की स्थिति अचल, अटल और शांत हो। बाबा ने कहा, शांति में शांत रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी जो शांत रहे उसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप और याद स्वरूप कहेंगे। लेकिन आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूढ़िहान में कंप्लेंट करते हैं, बाप से प्रश्न पूछते हैं कि जो पावरफुल स्टेज होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती। तो बाबा ने कहा, इसका कारण है सूक्ष्म पाप, जो बाप समान बनने नहीं देते। ये सूक्ष्म पाप कौन से हैं, उनके बारे में सुनाते हुए बाबा ने कहा, 5 विकारों को समझना और उन्हों पर जीत पाना ये फिर भी सहज है, लेकिन 5 तत्व जो भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वही महीन पाप कराने के निमित्त बनते हैं। तो अब इन 5 तत्व के आकर्षण से भी परे रहना, यही विशेष पुरुषार्थ करना है। और लास्ट में बाबा ने बच्चों की 3 स्टेजेस सुनाई। पहले नंबर पर वो बच्चे हैं जो 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहे स्थित हो सकते हैं। सेकंड स्टेज वाले 1 सेकंड की बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर पाते हैं, जबकि तीसरी स्टेज वाले बच्चे कुछ घंटे या कुछ दिन स्वयं को सेट करने में लगा देते हैं। तो अब हर एक अपने से पूछे, हम कौन सी स्टेज पर हैं? और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।